सेल 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 पोंच की आवाम के लिए खुशखबरी, शू लिंक्स चौक बाजार पोंच अपने सार्फिन को 20 मार्च से बूट और चप्पलों पर भारी छूट दे रहा है। इस दौरान लेडीज चप्पल और बैलीज सिर्फ 300 रुपये में, जेंट्स चप्पल और बूट सिर्फ 500 रुपये में, जबकि बच्चों के जूते और चप्पलें 100 रुपये और 200 रुपये में दस्तियाब की जाएंगी। तो जल्दी करें मौके का भरपूर फायदा उठाने के लिए अपनी मनपसंद दुकान शोलिंक्स चौक बाजार पोंच पर पहुंचकर अपने मनपसंद जूते और चप्पलें खरीदें। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर 9149940220 और 9797362003 पर रابطہ करें। हमारी शोलिंग्स जो चौक बाजार पहुँच में हमने सेल लगाई है, जिसमें लेडीज़ किड्स जेंट्स फुटवेयर में सभी में हमने सेल लगाई है, जो कि लेडीज़ फुटवेयर आपको 300 रुपीज़ में मिलेगा, जिसमें बैलीज चप्पल, जेंट्स फुटवेयर आपको 400-500 रुपीज़ में, किड्स फुटवेयर आपको सारे 100-200 रुपीज़ में मिलेगा। ये हमने फेस्टिवल सीज़न सेल लगाई है, प्लीज़ आइए और इस सेल का जो बेनिफिट लीजिए। थैंक यू। ज़िला तरक्याती कमिश्नर पहुंच ने मुख्तलिफ महकमा जात के 14 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया, गेजेटेड ऑफिसरान समेत 21 को शोगाज नोटिस भी किए गए जारी। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ ऑफिस को हमने फिजिकल अटेंडेंस चेक किया, एम्प्लाइज की कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी, तो उसमें हम तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब ने खुद भी फिजिकली हम ऑफिस में गए, PWD, PHE, इरीगेशन, और अभी ये सिलसिला जारी है। आने वाले दिनों में भी इस किस्म के जो है फिजिकल अटेंडेंस चेक की जाएगी, तो उसमें बहुत सारे एम्प्लाइज जो है वो प्रेजेंट भी थे, कुछ लीव पर हैं, तो जो अफसर थे उनके खिलाफ जो है अप्रोप्रिएट जो है कार्रवाई की जाएगी। डिग्री कॉलेज पहुंच में साइबर क्राइम पर एक रोजा वर्कशॉप का किया गया इनेकाद, तलबा और असातिज़ा को दी गई मुख्तलिफ किस्म की जानकारी। नेशनल डेवलपमेंट यूथ क्लब ने GMS मनकोट में बच्चों के तहफ्फुज़ के लिए तरबियती प्रोग्राम का किया इनेकाद। आप लोगों ने यहाँ पे ही रहना है, इसी जगह पे ही रहना है और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। बात तो जब आपको पता होगा कि ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम रिपोर्ट कर सके, यही मेन चीज है कि हम रिपोर्टिंग कहाँ पे करेंगे। हमें जब पता होगा तो आप जाके जो स्कीम इसके साथ जुड़ी है उस स्कीम का फायदा उन बच्चों तक पहुँच।
सकता है, आप समझ रहे हैं। डॉक्टर प्रवेश अहमद ने डिप्टी सीएमओ पुंछ का चार्ज संभाला, सीएमओ और दीगर ऑफिसरान ने किया वालिहाना इस्तकबाल। तो उन पर मैं पूरा 100% उतरूंगा, सारा जितना भी स्टाफ है उसका कोऑपरेशन रहेगा, जो भी कमियां हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट में अवाम से क्या अपील है? अवाम से ये भी अपील रहेगी कि जैसे आजकल जनसंख्या बढ़ रही है, उसमें जितने भी जो भी मच्छर या कमी पानी के थे वो टेम्परेरी हैं, परमानेंट हैं, जैसे कंट्रासेप्टिव या डबल लेगेशन कैंप्स हैं, उसमें बढ़ चढ़ कर आएँ और अपने ऑपरेशन वगैरह कराएँ। शब कदर पर गुज़िश्ता शब मरकजी ईदगाह जामिया मस्जिद में जिक्र अज़कार की महाफिल सजाई गई, आलम इंसानियत के लिए मांगी गई खुसूसी दुआएं। اللهم صل على سيدنا شفينا كريمنا مولانا مولانا مرجانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا رسول الله صلاه وسلام عليك يا حبيب الله يا نبي الله يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تمام اهل الاسلام کو ليلة القدر کی اس مبارک رات کی بہت بہت مبارک ہو آج ماہ رمضان المبارک کے آخری اشرے کے اندر جو تاک راتیں ہوتی ہیں انہی راتوں میں آج ایک جو ہے 27ویں شب ہے جو ليلة القدر کی رات ہے یقیناً یہ رات بڑی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے اس رات پوری دنیا کے اندر ڈاکٹر اشفاق چودھری نے بی ایم او مہندر کا چارج سنبھالا مقامی سیاسی و سماجی کارکنان نے کیا والیہانہ استقبال हमने बहुत अच्छा काम किया और हम कोशिश करेंगे यहाँ पे और बेटर करने की, सबके सभी आवाम यहाँ के पी आर आई सरपंच पंच सीनियर सिटीजन्स और लोकल जो लोग हैं उनको साथ लेके उनकी कोऑर्डिनेशन से बेटर काम करने की, लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज देने की कोशिश करेंगे कि बेटर तरीके से डोज तक उनको सर्विस दीजिए। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस वक्त मिशन है कि हमारे जो भी पुंछ बाजार में ऑफिसरान की मार्केट चेकिंग म्युनिसिपल काउंसिल ITY और शिप के ऑफिसरान ने अशिया का मुआयना किया, इजाफी नरखों पर अशिया फरोख्त करने वालों को काटे गए चालान। अभी तक तो जितनी शॉट्स हमने देखी है उसमें प्रॉपर रेट लिस्ट की हमने ऐड किया कि रेट लिस्ट सारे लगा के रखो, जहाँ देखनी है अभी तक तो हमें रेट लिस्ट मिल रही है, पर क्वालिटी मील की जो है वो हम उससे सजेस्ट भी यही कर रहे हैं, एडवाइस यही है हमारे तरफ से कि फ्रेश रखें और कॉपरेट करें चीज के ऑपरेटिंग में सभी। जिला इंतजामिया ने गुज़िश्ता शब अफ्तार पार्टी का किया इनेकाद, उलमाए कराम सियासी व सामाजिक कारकुनान और पुलिस ऑफिसरान और सिविल इंतजामिया के ऑफिसरान ने मिलकर किया अफ्तार। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी रमज़ान का जो महीना चल रहा है उसमें आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ ने जो एक इफ्तार पार्टी रखी है, जिसमें आज एक बॉर्डर एरिया में अगर इस तरह की इफ्तार पार्टी होनी चाहिए थी, मुझे हमारी पार्टी रखी है जिसमें तकरीबन हमारे सीनियर सिटीज़न जो हमारा भाईचारा रहा है 1947 से लेकर जो आज हिंदू मुस्लिम सिख अदाज जो जिसका नारा हमारा पूरे जम्मू कश्मीर में गूंजता है कि हिंदू आखिरी ज़िला पुंछ है, लेकिन उनको मेरे ख्याल में बाकी रियासतों को और जहाँ पर इस किस्म के टकराव होते हैं उनको एक सबक सीखना चाहिए पुंछ से
और ख़ास तौर पर इस कांग्रेस के तर्जमान सुप्रिया श्रीनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अडानी मामले पर एक बार फिर बनाया मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना। इंपोर्ट किया और उसके बाद जेवर बनाकर एक्सपोर्ट किया। मजे की बात यह है कि जिन 13 कंपनियों को जतिन भाई ने दुबई में ये एक्सपोर्ट किया, वो जांच के बाद पता चल रहा है वो 13 कंपनियों का मालिकाना हक उन्हीं का था, वो एक्चुअल उन्हीं की कंपनियां थी, उनको उन्होंने एक्सपोर्ट किया और उसके बाद वो पैसा डुबा दिया गया, कह दिया गया पेमेंट नहीं हुआ, पैसा डूब गया, पैसा डूबा नहीं गया, पैसा टकार लिया गया। $1 बिलियन भारतीय बैंकों के, भारतीय करदाताओं के, भारत की सरजमी के $1 बिलियन 7,000 करोड़ रुपए पूरी तरह से डकार लिए गए ये स्वांग रच के कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 13 कंपनियां उन्हीं की थी, उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कुलगाम पुलिस ने छनगुंड के नजदीक विष्णु नाले में फंसे 3 खाना बदोश खानदानों को महफूज मुकाम पर मुंतकल करके उनकी जान बचाई। वजह से बाढ़ आ गया, फिर रात 12 बजे यहाँ तहसीलदार साहब ने पुलिस भेज दिया, SHO साहब भेज दिए, वहाँ लमड़दार और सरपंच साहब भेज दिए, वहाँ से हमारे बच्चे निकाल कर हाई सेकेंडरी स्कूल में, ये छमगुंड कुलगाम में रहती है, छमगुंड में वहाँ उसमें लाए बच्चे, रात उनको राशन भी दिया और खाना भी दिया, कमल भी दिया, बाकी हमारा बिस्तरा विस्तरा सब कुछ वहाँ ही है।